तरह से बना हुआ है, जो कि बक्सर का नदी है और ये काफ़ी लोग यहाँ पे स्नान करते हैं, गंगा नहाते हैं, इसी रोड पे अक्सर आते हैं। और एक जो सामने का पुल है वो नया बन रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से। जस्ट मैं इसी घाट के ऊपर खड़ा हूँ, जो कि मेरे पीछे नदी है और आप लोग बखूबी देख पा रहे होंगे। काफ़ी अच्छा और खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम दूसरा ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं, कैसे क्या है इसको भी आप देख लें, क्योंकि हम इस वक्त बिहार में आ चुके हैं, और मतलब बिहार से बलिया में आ चुके हैं, सॉरी। और इसका तो ये था, यहाँ पे आए थे हम वीरू भाई के घर पे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का नज़ारा है, देखते हैं क्या कर रहे हैं वीरू भाई। आज का ब्लॉगिंग शुरू कर दिया मैंने, तो ये है आज हमारे वीरू भाई है, जो कि अलग ही क्लास में बिजी है, और ये इनके गाय भैंस इधर, सॉरी ये बाहर का सीन कुछ ऐसा है भाई। तब क्या कहना चाहेंगे, आज हम लोग जा रहे हैं आज हम जा रहे हैं। दिखाते हैं कि और कौन कौन है, बहुत अलग अलग लोग हैं, देखते हैं कौन कौन है। छोटा सा बच्चा उसे मिलवाते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है वो, दिखाइए ना ये सब। उसका नाम क्या है? बसंती है। और उसका देव शिल्पी है ना, देव शिल्पी नाम, देखे इन्होंने उसका नाम भी रख रखा है। और एक और छोटा बच्चा है, वो देखते हैं वो क्या कहता है। ये जो है ये बच्ची है कि बच्चा समझ में, लेकिन इसका नाम काजल है। काजल कैसे हो? काजल तो लग रहा है अभी नींद में ही है, सही से उठी नहीं है। और इसके पीछे का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है, दिखाते हैं। देखिए गांव में कुछ ऐसा होता है, भूसा रखने के लिए इसको यूज़ किया, क्या कहते हैं इसको, खोप कहते हैं। और खोप ये टूट गया है क्या? पहले ये थोड़ा ऊंचा होता है, फिर बाद में नीचे गिर गया। और इधर बहुत सारे से नींबू का पेड़ है, गागल का, सॉरी गागल का, और वो सब क्या चीज़ का पेड़ है, दूसर कुछ का। तो ये सब यहाँ पे सीन है। और यहाँ पे कुछ पपीते के पेड़ भी है, दिखाते हैं आपको। ये आम का पेड़ है, जो कि अभी मोजा रहा है। देखिए कितने छोटे छोटे आम इसमें भरे हुए हैं, और मैं इतना पास से दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि पेड़ का नाम कौन सा साटा होता है ना, और इस साटा पेड़ पे जब छोटा पेड़ होता है तभी जाके यहाँ पे आम उग जाते हैं। और यहाँ पे देखिए पपीते, देखिए कितने सारे थे, हम थोड़ा कि यहाँ सब कुछ पूरा क्लियर है अच्छे से। तो ये मैंने पूरा इधर का ब्लॉग दिखा दिया, देखते हैं वीडियो में क्या है, आगे चलते हैं मेरे साथ। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। संदीप जा रहे हैं अब हम, आओ। ये हमारे वीरू भाई का घर है, जहाँ पे काम चल रहा है, इस तरह से अभी है घर। तो इस तरह से है कुछ, अभी जस्ट 9 बज चुके और अभी यहाँ से निकल रही है। हेलो, चले आ जाओ। ठीक है, तो हम वीरू भाई के यहाँ पे आए थे, मिल भी लिए, और रुको फोटो, और मिल भी लिया, और यहाँ से जाने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है, जा रहे हैं? जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज के बाद कभी आएंगे नहीं, ठीक है, कि बहुत अच्छा लग रहा है ना जा रहे, तो अगली बार थोड़ा और अच्छा होगा। इस बार थोड़ा जल्दी में ही आए थे अचानक से, अगली बार थोड़ा टाइम लेके ज़्यादा दिन थोड़ा रहेंगे, और फिर अच्छे से और वीडियो बनाएंगे, ब्लॉगिंग करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, चलते हैं फिर आगे। नहीं देखो इधर देखो, तब ठीक है माता जी, चलते हैं, ठीक है, मिलेंगे फिर ब्रेक के बाद। वीरू भाई गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं और चला के बंद हो गई पहले। चलते हैं इधर से आगे। वीरू भाई और धीरू भाई अंबानी का गांव, और चाहेंगे कि अगली बार भी मुलाकात हो कुछ अलग तरीके से, और वो भी अच्छा ही लगे अलग, तो बढ़िया।
अभी हम जो ब्लॉग दिखा रहे हैं ये एक ऐसा गोदाम है जहाँ पे नमकीन, बिस्कुट, कुरकुरे जैसे चीज़ों को पैक करने के लिए डिब्बे मिलते हैं, और इसी कंपनी के अंदर हम आए थे जहाँ से हमारे कृष्णा भाई कुछ लेने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा, बहुत कुछ है, इसके साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। हम लोग बलिया में आए हुए थे और यहाँ पे कुछ ऐसा कारखाना है जो कि दिखा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी पंपलेट वगैरह जैसे होता है कवर मिठाइयों के, इसमें आए थे जहाँ पे बहुत सारे दुकानों का जो मेकअप होता है, मतलब जो कवर होता है मिठाई और नमकीन और कुरकुरे बिस्कुट उसका पैकिंग जैसे होता है, जो मेन गोदाम होता है जहाँ से बंद किया जाता है, फिर यहाँ से दूसरी जगह मार्केटिंग में जाता है, तो वहीं पर हम लोग आए हुए थे। तो यहाँ से भी थोड़ी देर में भाई का दुकान है जो कि दिखा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे खिलौने वगैरह हैं, कृष्ण आर्ट जी का दुकान है। ये भाई है जो कि इस दुकान पे रहते हैं, क्या नाम है आपका? प्रदीप राणा या कहाँ है? कुमार, कुमार है। और ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, इसके बाद जो होगा हम बाद में दिखाएंगे, फिलहाल आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी जो होगा इसके बाद जरूर दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, यदि आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, और जो वीडियो में सपोर्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब कुछ बाय। तो कैसा लगा भाई? ठीक लगा ना?